हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूँ आप सभी का दोस्त भोसाई कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ मार्वल सुपर हीरोज़ की इंडियन सुपर विलन्स के साथ में, और इंडियन सुपर हीरोज की मार्वल सुपर विलन्स के साथ में। सो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो यह जरूर ही बन रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी इस पे कर लिया। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की और शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड से, यानी कि राउंड वन से, और शुरू करते हैं राउंड वन की फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है कैप्टन अमेरिका वर्सेस काल के बीच में। क्लियर में बताता हूँ कि इस बैटल में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ना कि उनके विद म्योनियर वाले फॉर्म की। तो ऑब्वियसली जो काल है वो कैप्टन अमेरिका को यहाँ पर ओवरपावर कर सकता है, क्योंकि जो काल है उसने क्रिश को ऑलरेडी डिफीट कर रखा है, और जो क्रिश है वो एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है। उनकी जो शील्ड है वो बेशक वाइब्रेनियम की बनी है, और कहीं ना कहीं जो काल है वो शायद उसे कंट्रोल ना कर पाए, बट फिर भी जो काल है वो अदर चीजों को कंट्रोल करके कैप्टन अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है। साथ ही में अपनी फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रेंथ, सुपर पावर्स के बेसिस पर यहाँ कैप्टन अमेरिका को डिफीट करने का कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी रखता है। और कैप्टन अमेरिका के विद म्यूनिर वाले वर्जन की अगर यहाँ पर बात भी की जाए तो यस, यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है वो म्यूनिर के साथ काल को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं, बट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका विद म्यूनिर को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। सो यस, काल विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर टू, आयरन मैन वर्सेज रावण। तो अगर आयरन मैन और रावण की बैटल होती है तो एक्चुअल में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और देखने लायक बैटल होगी, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो जब आयरन मैन रावण को एनालाइज करेगा पूरी तरीके से तो वो ये देखेगा कि इसके अंदर तो कोई बंदा ही नहीं है इस सूट के अंदर, और ये एक पूरी तरह से एक रोबोट ही है। और जब रावण आयरन मैन को देखेगा तो वो उसे एनालाइज करेगा कि सूट के अंदर एक बंदा है, और अगर मुझे इसे हराना है तो इस सूट को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जो आयरन मैन है वो पहले तो रावण को मारने की कोशिश करेगा, पर जो रावण है वो एकदम सेल कर जाएगा, जिसको देख करके जो आयरन मैन है थोड़ा शॉक हो ही जाएगा। और जब रावण आयरन मैन के ऊपर अटैक करेगा तो जो आयरन मैन है पहले तो वो हार्म ही नहीं होगा, बट जब वो हार्म होगा तब वो भी एकदम से रिजनरेट कर लेगा, क्योंकि जो आयरन मैन है उसका सूट नैनोटेक से बना है, और नैनोटेक कितने ज्यादा जल्दी रिजनरेट करते हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसको देखकर रावण भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाएगा, बट फिर जो इस बैटल का कंक्लूजन निकलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि धीरे धीरे करके जो आयरन मैन है वो रावण के फाइटिंग स्टाइल को समझने लगेगा, और कहीं ना कहीं उसे ओवर पावर भी कर जाएगा, और जो रावण के अटैक होंगे उनको कहीं ना कहीं जो आयरन मैन है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जिस तरह से उसने थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके उसी के अगेंस्ट यूज़ किया था। और इसी तरह से धीरे धीरे करके जो आयरन मैन है वो या तो टेम्पररी नॉकआउट कर देगा रावण को, या फिर किसी तरह से कैद कर देगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो आयरन मैन है वही जीतेगा। सो आयरन मैन वर्सेस रावण के इस बैटल में आयरन मैन विंस। थॉर वर्सेस पक्षी राजन। सो यस, ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो थॉर है वो एक्चुअल में गॉड है, और जो पक्षी राजन है ये एक ऐसा सुपर विलन है जो कि एक गोस्ट है। तो अगर इन दोनों की बैटल होती है तो जो थॉर है एक गॉड होने की वजह से वो पक्षी राजन को यस काफी ज्यादा बराबरी की टक्कर दे देगा, और वो एक गॉड है, गॉड ऑफ थंडर है, जिस वजह से वो यहाँ पर पक्षी राज को डिफीट भी कर देगा। क्योंकि जो पक्षी राज के हाल ही में जो मूवी आई थी, यानी कि काफी पहले आई थी वैसे, रोबोट 2.0, उसमें जो पक्षी राजन के फील्ड्स थे वो थॉर के फील्ड्स के सामने कुछ भी नहीं है, जिस वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर जो थॉर है वही जीतेगा इस बैटल को। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, हल्क वर्सेस राका। ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो हल्क है उससे जितना ज्यादा एंगर आएगा, जितना ज्यादा वो गुस्सा होगा उतनी ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ेगी, और जो राका है उसे जितना ज्यादा प्रदूषण दोगे वो उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट ऑब्वियसली यहाँ पर जो हल्क है जिसकी जो ओरिजिन है वो एक पहले नॉर्मल ह्यूमन होता है, यानी कि ब्रूस बैनर, फिर उसके साथ कुछ गामा वाला एक्सीडेंट होता है जिस वजह से वो हल्क में बदल जाता है, और जैसा कि मैंने कहा उसका गुस्सा ही उसकी पावर है। और इन बैटल जो हल्क है वो एबोमिनेशन जैसे पावरफुल सुपर विलन को डिफीट कर चुका है, तो राका को तो कितना ही टाइम लेगा वो डिफीट करने में, हाँ थोड़ा बहुत टाइम लेगा, बट ऑब्वियसली हल्क वर्सेस राका में हल्क विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस दमराज किलवेश। अब ये बैटल होगी ना टक्कर की, काफी ज्यादा बराबरी की, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्होंने डोरमामू जैसे सुपर विलन का सामना कर रखा है, और उसे किसी तरह से एक तरह से टाइम लूप में फंसा दिया था, और टाइम लूप में फंसे होने के कारण जो डोरमामू है उसने भी हार मान ली थी और कह दिया था कि मैं जाता हूँ, मुझे निकाल दे इस टाइम लूप से। और अगर इस बैटल
हम उनके पास कहीं से टाइम स्टोन वापस आ जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर दमराज किलविश को वो डिफीट कर सकते हैं। अब दमराज किलविश भी कोई नॉर्मल सुपर विलन नहीं है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल सुपर विलन है और कहीं ना कहीं उसने शक्तिमान को भी डिफीट किया है, तो ऑब्वियसली जो दमराज किलविश है वो भी काफी ज्यादा बराबरी की टक्कर देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज को। बट एट दी एंड यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है इनके पास भी काफी अच्छी एक एबिलिटी एडवांटेज है कि अगर इनके पास टाइम स्टोन होता है तो ऑब्वियसली ये डिफीट कर सकते हैं यहाँ दमराज किलविश को। बट जो दमराज किलविश है वो भी अपने डार्क मैजिक एंड डार्क पावर्स के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं ना कहीं डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन ना हुआ तो। यहाँ पर जो ये बैटल है ये एक ऐसे मोड पर आ जाती है जिसको कि टाई कहते हैं, ठीक है जी। तो अब ये बैटल चल जाती है पीपल्स चॉइस के ऊपर, यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सो मार्वल सुपर हीरोज ने गेन किए हैं 3 points और जो इंडियन सुपर विलन से उन्होंने गेन किए हैं 1 point। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मार्वल सुपर हीरोज है वो जीत चुके हैं। नाउ बात करते हैं राउंड 2 की, इंडियन सुपर हीरोज वर्सेस मार्वल सुपर विलन्स की। तो पहले अगर बात की जाए क्रिश वर्सेस लोकी की, तो मैं पहले ही बताता हूँ कि ये कोई प्रिपेयर्ड बैटल नहीं होगी, एक हैंड टू हैंड मतलब कि आमने सामने वाली बैटल होगी और पावर के बेसिस पर कंपैरिजन होगा। तो ऑब्वियसली ऐसे में जो लोकी है उसको प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ऐसे में जो क्रिश है वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लोकी के मुकाबले में। हाँ, लोकी की एस्गार्डियन फिजियोलॉजी उससे एक एक्स्ट्रा हैंड देती है, बट वो एक्चुअल में जो लोकी है वो एक्चुअल में इतना पावरफुल नहीं है कि फिजिकली और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डिफीट कर दे क्रिश को। तो ऑब्वियसली क्रिश वर्सेस लोकी किस बैटल में क्रिश विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, फ्लाइंग जेट वर्सेस वल्चर। तो जो वल्चर है वो अपनी सूट की वजह से काफी अच्छी एडवांटेज रखता है, बट जो फ्लाइंग जेट है वो एक्चुअल में वल्चर के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो फ्लाइंग जेट है वो ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पावर रखता है वल्चर के मुकाबले में और वल्चर के सूट को इजिली डिस्ट्रॉय कर देगा वो इन बैटल। तो फ्लाइंग जेट वर्सेस वल्चर किस बैटल में फ्लाइंग जेट विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, सुपर सिंह वर्सेस अल्ट्रॉन। तो हाँ, ये बैटल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि जो सुपर सिंह है वो अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर जो अल्ट्रॉन है वो इंटरनेट की मदद से कहीं पर भी चला जा सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस को किसी अदर रोबोट में ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो सुपर सिंह है वो पूरी तरह से तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता अल्ट्रॉन को, क्योंकि सुपर सिंह एक्चुअल में है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट इतना इंटेलिजेंट नहीं है, आपने देखा होगा मूवी में। पर ऑब्वियसली अगर इन दोनों की आमने सामने वाली बैटल होती है जहां पर किसी तरह से जो अल्ट्रॉन है उसका इंटरनेट से कनेक्शन टूट चुका है, अल्ट्रॉन की आर्मी भी उसके साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सुपर सिंह है वो डिफीट कर देगा अल्ट्रॉन को। और अगर ये भी सिचुएशन होती है कि जो अल्ट्रॉन है वो इंटरनेट से आउट हो चुका है बट उसकी आर्मी उसके साथ है और जो सुपर सिंह अगर उसे हराना है अल्ट्रॉन को, तो सभी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना होगा उसके और साथ में अल्ट्रॉन को भी। तो इस सिचुएशन में भी जो सुपर सिंह है वो अल्ट्रॉन को यस डिफीट कर देगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अल्ट्रॉन को डिफीट कर देगा और साथ ही में उसकी पूरी आर्मी को भी। तो ऑब्वियसली यहाँ जो सुपर सिंह वर्सेज अल्ट्रॉन की ये बैटल है, इसमें जो जीतेगा वो होगा सुपर सिंह। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, मिन्नामुल्ली वर्सेज थानोस। सो इस बैटल में जो थानोस को उसके पास एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा अच्छी एडवांटेज है, वेपन की काफी ज्यादा अच्छी एडवांटेज है, उसके पास एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा अच्छी एडवांटेज है, पावर लेवल की थोड़ी अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि अगर बैटल होती है तो जो मिन्नामुल्ली है वो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर के चलते काफी हद तक परेशान कर सकता है थानोस को, जैसे कि वांडा ने किया था। बट भूलो मत, वो स्कारलेट विच है, उसके पास काफी सारी अदर पावर्स भी, और उसे पावर्स मिली थी एक इन्फिनिटी स्टोन की वजह से, जिस वजह से वो मिन्नामुल्ली के मुकाबले ज्यादा अच्छी टेलीपैथ है, टेलीकाइनेटिक एबिलिटी में वो काफी ज्यादा आगे है मिन्नामुल्ली से और साथ ही में अदर एबिलिटीज में भी। जो मिन्नामुल्ली है वो अभी नया नया सुपर हीरो बना और उसके सामने एकदम से थानोस आ गया, तो यार वो तो हार ही जाएगा, जाहिर सी बात है। सो ऑब्वियसली मिन्नामुल्ली वर्सेस थानोस किस बैटल में, थानोस विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, शक्तिमान वर्सेस हेला। सो शक्तिमान वर्सेस हेला की अगर बैटल होती है तो ऑब्वियसली इस बैटल में जो हेला है उसके जीतने के ज्यादा चांसेस नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपर विलन है और एस्गार्ड में वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाती है, साथ ही वो गॉडेस ऑफ डेथ भी है, बट फिर भी जो शक्तिमान है वो एक्चुअल में उसके मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है। इन अर्थ अगर बैटल होती है तो जो शक्तिमान है वो इजिली डिफीट कर देगा हेला को, बट अगर ये बैटल एस्गार्ड में भी होती है तब भी जो शक्तिमान है वो अपने 5 elements और 7 chakras की जो पावर्स है उसके पास, उनकी मदद से किसी न किसी तरह से एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर उसे पता चलता है कि जो हेला है उसकी पावर्स का सोर्स ये एस्गार्ड ही है। और हेला को डिफीट करना अगर काफ़ी ज़्यादा जरूरी हुआ तो यस, जो शक्तिमान है वो एस्गार्ड को ही डिस्ट्रॉय करके हेला को डिफीट कर सकता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हेला वैसे शक्तिमान किस बैटल में, शक्तिमान विंस। नाउ अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए यानी कि स्कोर बोर्ड की, तो जो इंडियन सुपर हीरोज है उन्होंने गेन किए हैं 4 points, बट वहीं जो मार्वल सुपर विलन्स है उन्होंने गेन किए हैं 1 point। तो ऑब्वियसली आंसर आपके सामने ये है कि जो इंडियन सुपर हीरोज है वो जीत चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो यार कर देना चैनल को, और ज़्यादा ही अच्छी लगी हो वीडियो, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा था बट यार आज के लिए संभाल लो, तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेशन है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में दो, मतलब किसने किया आपको, आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलती है उसमें, तब तक लिए गुड बाय, टेक बाय। और हाँ यार, मेरी एग्जाम भी आ रही है तो शायद वीडियो लेट हो सकती है, बट अपना स्कोर कैसे ही बनाए रखना और मुझे गुड लक भी कह दो। नाउ मिलते हैं उसमें, तब तक लिए गुड बाय, टेक बाय।